لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ. اس مہینے میں ہمارے لیے روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں. جسمانی فوائد کیسے؟ کہ روزے کے اندر مختلف فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ تو اکثر و بیشتر لوگ بسیار خوری کے مریض ہوتے ہیں. بسیار خوری کہتے ہیں زیادہ کھانا، عادتاً زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں کچھ وقت ان کو بھوکا رہنے کا بھی مل جاتا تو بھوک سے ان کی واقفیت ہو جاتی ہے. جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، جب چاہا کھا لیا جب چاہا پی لیا. ہم لوگ ایک مرتبہ امریکہ کے ایک مدرسہ میں بیٹھے تھے، ایک بچی آئی جو پڑھتی تھی قرآن پاک، اور اس نے شکایت کی کہ مدرسے میں جو کوک ٹیکسی والی مشین ہے وہ نہیں چل رہی. تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ہم اطلاع دیتے ہیں، کمپنی والے آ کے ٹھیک کر دیں گے، تو کل تک مشین ٹھیک ہو جائے گی. کہنے لگی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ پانی کا کولر تو لگا ہوا ہے اور ٹھنڈا پانی میسر بھی ہے، تو آپ جا کے پی لیں. کہنے لگی میں پانی پیوں. پوچھا کہ بھئی کیا ہر گیا اس میں، تو تھوڑا سوچ کر کہنے لگی کہ پچھلے 9 سالوں میں مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کبھی پانی پیا ہو. 9 سال زندگی کے بیت گئے پانی نہیں پیا. تو کیا پیا بھائی؟ کہنے لگی اکثر پیپسی پی، اور اگر پیپسی نہ ملی تو جوس پیا. پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آئی 9 سال تک. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی نا،
एक मतलब अफराफ के मुल्क में बादशाह अपनी बीवी के साथ बातचीत कर रहा था तो बाहर हंगामा हुआ। जब खिड़की से देखा तो लोगों का हुजूम था, तो उसने बादशाह से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा ये जुलूस निकाल रहे हैं। किस लिए? कि मुल्क में आटा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। तो जब उसने कहा ना कि खाने के लिए रोटी नहीं, तो उसकी बीवी कहने लगी कि अगर रोटी नहीं मिलती तो ये डबल रोटी खा लें। यानी उसको ये भी नहीं अंदाजा था कि जब रोटी नहीं मिलती तो फिर डबल रोटी भी नहीं मिला करती। तो ऐसे भी तो लोग दुनिया में है ना। देखो दीन इस्लाम ने कितना प्यारा ये कायदा बना दिया कि साल में एक महीना तुम रोजे रखो। इससे क्या होता है कि वो लोग जो मन पसंद का रोज खाते हैं, आजकल अक्सर लोग मन पसंद का खाते हैं, मांगने वाला आज के दौर में रोटी नहीं मांगता। हमने आजमाया है कि मांगने वाले को जाके रोटी दो ना तो वो लेने से मना कर देता, कहते हैं मुझे रोटी नहीं चाहिए। तो भाई क्या चाहिए? कहते हैं मुझे 5 रुपए चाहिए। वजह क्या? कि सिगरेट पीनी होती है, चाय पीनी होती है। तो आज के दौर में तो पीने यानी मांगने वाले को भी 5 रुपए चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। और माशाल्लाह ये जो फकीर मांगने वाले हैं ये तो बड़े अमीर होते हैं माशाल्लाह। एक फकीर किसी रेस्टोरेंट में जा बैठा तो और जगह थी नहीं, तो एक आदमी बैठना चाहता था, खाने के लिए जाना चाहता था, तो वही एक टेबल बाकी थी, तो मजबूरन उसको भी वहीं सामने बैठना पड़ा। तो जब बैठने लगे तो फकीर ने कहा कि हम मिलके ना ऑर्डर दे दें। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, चलो ये भी सादा रोटी खाने वाला है तो हम भी दाल रोटी वाले हैं। अब जब ऑर्डर देने लगा तो उस फकीर ने जनाब मुर्गे चरगे है? क्या मुर्गे चरगे, उनके ऑर्डर दे दिए। अब ये घबरा गया कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और ये मुर्गे चरगों को थे जो पेमेंट करनी होगी तो क्या बनेगा। तो इसके मुंह पे परेशानी देख के उसने पूछा भी परेशान क्यों है? उसने कहा कि मैं तो इतनी पेमेंट नहीं कर सकता। उसने कहा जितनी कर सकते हो करना, बाकी मैं कर दूंगा। यानी आजकल के मांगने वालों का भी ये आला। इसलिए अस्पताल जाके देखें तो कम खाने की वजह से बीमार लोग नहीं मिलते, ज्यादा खाने की वजह से बीमार मिलते हैं। देखें ब्लड प्रेशर, ज्यादा नमक खाना, शुगर की बीमारी, ज्यादा शुगर खाना, मेदे का अल्सर, ज्यादा मिर्च वाली चीजें खाना, दिल की बीमारियां, ज्यादा चर्बी वाली चीजें खाना। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो ज्यादा खाने से ताल्लुक रखती हैं, कम खाने से तो ताल्लुक नहीं रखती। तो शरीयत का कितना यानी कमाल है कि अगर वो लोग भी रोजा रखते हैं ना और थोड़ा वक्त दिन का उनको भी भूखा रहने को मिल जाता है तो उनको पता चल जाता है कि जिनके यहां खाना नहीं बनता उन गरीबों का दिन कैसे गुजरता है, उनकी रात कैसे गुजरती, एहसास पैदा होता है। एक साहब मुझे खुद अपना वाक्य सुनाने लगे। ये वो साहब हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने जवानी में बहुत कुछ दे दिया, इतना कुछ दिया
कि कई मिलों के ये मालिक हैं। उम्र बहुत छोटी, अल्लाह ताला की तकसीम है, हम अल्लाह ताला की तकसीम से राजी। यानी इस बंदे के पास इतना माल कि अगर ये रोजाना एक जहाज खुद किराए पर लेना अकेले उम्रा के लिए, तो ये रोज उम्रा करके वापस आ सकता है। इसके पास इतना पैसा और अल्लाह ताला की शान, इसने जिंदगी में कभी उम्रा ही नहीं किया था, कभी भी जिंदगी में उम्रा नहीं किया था। खैर किसी मौके पे बैत हो गया तो पूछा, भाई उम्रा क्यों नहीं किया? कहने लगा, जी बस मैं कुछ अपने आप को अपने दिल को संवार लूं, पेश होने के काबिल हो तो वहां जाऊं। तो फिर मैंने इसे बात समझाई कि देखो ये जो हमारे कपड़े होते हैं ना, मैले हो जाते हैं, इनको हम लॉन्ड्री में ले जाते हैं धुलाने के लिए, तो कपड़ों के वहां जाने का मकसद ही होता है कि जी धुल के आए। कभी कपड़े ने यह कहा कि जी मैं कुछ साफ हो जाऊं तो फिर लॉन्ड्री जाऊंगा ना? हर बंदा कहेगा कि भाई अगर तू साफ हो गया तो लॉन्ड्री जाने की जरूरत ही क्या, वहां तो जाते ही धुलने के लिए। तो खुदा के बंदे बैतुल्ला शरीफ तो जाते ही धुलने के लिए, अगर इधर ही धुल गए तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है? अब उसकी बात समझ में आई। कहने लगा, जी मैं उम्रे पे जाऊंगा। तो देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, शैतान ने जहन में ऐसी रचा दी होती हैं कि इंसान खैर से महरूम हो जाता है। अच्छा, इस बंदे ने अपना वाकया ये सुनाया कि मैं बीमार हो गया, वायरस का कोई मसला था, बुखार हो गया। और ये वायरस ऐसी बीमारी है कि जिस पे कंट्रोल किसी का नहीं होता। एक बीमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया ने इंफेक्शन कर दी, बीमार हो गए। ये बैक्टीरिया बहुत छोटा सा जानदार है, इतना बड़ा इंसान छोटे से जानदार के अटैक की वजह से चारपाई पे पड़ जाता है। जी बुखार है, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता। अपनी औकात तो बंदा देखे कि अल्लाह ताला के लश्करों में से एक छोटा सा जानदार अगर वो इसके अंदर जाके अपना अमल शुरू कर देता है तो इसको लिटा के रख देता है, ये बड़ा रुस्तों में जमा बनता है, है? बड़े बोल बोलता है, क्या तेरी मैं एड़ी मार के धरती हिला दूंगा, है? और हालत यह है कि बैक्टीरिया अगर इसके अंदर जाके थोड़ा सा अमल कर दे तो ये लेटा पड़ा, क्यों? ये बुखार है। और बैक्टीरिया तो वो है जो नजर आ जाता है, इससे भी एक छोटी चीज है जिसको वायरस कहते हैं। ये वायरस ऐसी चीज है कि जिसके बारे में डॉक्टरों के अंदर बहस चल रही है कि इसको जिंदा कह सकते हैं या जिंदा नहीं कह सकते। वो क्यों? इसलिए कि वायरस आज खुद जिंदा नहीं रह सकता, इसको जिंदा रहने के लिए किसी सवारी की जरूरत है। तो इंसान का जो सेल होता है ना जिंदा, उसके ऊपर अगर ये चढ़ जाए तो फिर ये जिंदा रह सकता है, उससे हट जाए तो फिर कुछ भी नहीं। इसकी हकीकत जो कहते हैं जिंदा, वो दलील देते हैं जी बंदे को बीमार कर देता है, जिंदा है तो बीमार करता है ना। जो कहते हैं जिंदा नहीं, वो कहते हैं जी नहीं, जब तक ये जिंदा सेल के ऊपर ना आए तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। अब बताओ कि जिस चीज के जिंदा होने या ना होने में ही बहस चल रही है, वो जब बंदे पे वायरस असर कर लेता है तो एक हफ्ते तक बंदे को कोई दवाई असर नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं जी वायरस की वजह से आपको बुखार हो गया, एक हफ्ते के बाद उतर जाएगा, अभी तक दवाई नहीं मिली कोई, एक हफ्ता बंदे को बीमार रहना पड़ता है। इस साहब को भी कोई अटैक ऐसा हो गया,
अब चारपाई पे पड़ गए, ऐसे बंदों के काम भी बहुत होते हैं, सारा दिन टेलीफोन बज रहा है इधर से उधर से, पता नहीं कितनी मीटिंग्स थी, कितना क्या था, एक दिन भी पड़ा रहा, फिर दूसरे दिन भी पड़ा रहा, फिर तीसरे, चौथा दिन जब हुआ ना तो बड़ा तंग आ गया, क्योंकि सारा दिन एक्टिव रहता था ना, भाग भागी दौड़ी करता था, अब बुखार उतर नहीं रहा। तो इसने एक डॉक्टर को घर बुलवाया, वो कोई डॉक्टर अल्लाह वाला था, नेक बंदा था, वो इसके घर गया इसको चेक करने के लिए। तो उसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हाल है? कहने लगा जी बस चौथा दिन है, बुखार नहीं उतर रहा, दवाइयां भी कर रहा हूं। बट डॉक्टर साहब व्हाई इज मी, इंग्लिश में इसने ये कहा कि डॉक्टर साहब व्हाई मी, मुझे क्यों ऐसा हुआ है कि बुखार ही नहीं कर रहा, व्हाई मी? कहने लगे डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप गले में लटका ली और पीछे हटके कुर्सी पे बैठ गए और मुझे कहने लगे व्हाई नॉट यू, कि आप क्यों नहीं भाई, आप तो अनोखे हैं, सोने के बने हुए, आपको भी माने जाने हैं ना। फिर उस परवरदिगार ने आपको कितनी नियमतों से नवाजा है, इतनी छोटी उम्र में उसने आपको अरबोंपति बना दिया। आप जरा अपनी जिंदगी को देखें, ये आपके कपड़े हजारों के, आपका जूता हजारों का, आपकी गाड़ी लाखों की, घर को देखें तो ये फ्रांस की चीज है, ये जर्मनी की चीज है, ये इटली की चीज है, ये फलां की चीज है, जन्नत की तरह ऐश आराम वाला घर आपने बनाया हुआ है, जो मन पसंद का खाना है वो आप खाते हैं, जहां चाहते हैं आप जाते हैं, जब आपको वक्त फारिग मिलता है तो आप हवाई जहाज से फ्री राइड जो नीचे लगाते हैं ना पैराशूट के जरिए, वो आपका खेल है, फिजा में पैराशूट के जरिए नीचे छलांग लगाना, ये आप गेम खेलते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं इस पर। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चा जिसने एमए किया हुआ है और अपने घर की सारी औरतों का वो अकेला सहारा है और उसको कहीं जॉब नहीं मिलती और कई महीनों से वो तलाश में है, थक हार के शाम को खाली घर जाता है तो उसकी बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तुम्हारे इस गेट के ऊपर छह छह घंटे इंतजार करके वापस चला जाता है, वो भी इंसान है, तुम में क्या चीज स्पेशल है कि तुम्हें इतना मिला और जिसने घर की पांच औरतों को जाके खाना पहुंचाने उसको जॉब ही नहीं मिल रही, वो चंद हजार की जॉब की खातिर तेरे इस दरवाजे के पूरा महीना चक्कर लगाता है, वाई नॉट यू? बताओ भाई क्यों ना तुम्हारे ऊपर ये मुश्किल आए? उस गरीब ने क्या किया? कहने लगा कि उस डॉक्टर ने तो मेरी आंखें खोल, उसने कहा तुमने ये अजर दिया यानी सिला दिया कि रब ने तेरे लिए इतने दरवाजे खोले और तुझे नमाज की तौफीक नहीं, तुझे सजदे की तौफीक नहीं, तुझे ये तौफीक नहीं, तू ये नहीं करता वो नहीं करता। कहते हैं मेरी तो उसने इतनी खिंचाई की ना कि बिल आखिर मैंने कहा कि हां आज के बाद मैं जिंदगी की तरतीब को बदल लू। अल्लाह, अब देखो ऐसे लोग भी दुनिया में, तो उनको अगर रोजे न रखने होते तो उनको तो सारी जिंदगी पता ही ना चलता कि भूख भी होती है कि नहीं होती, तो फिर गरीबों के साथ हमदर्दी कैसे होती, अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी कैसे होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की अजीब शान है। गाजी गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा भूख के फजाइल बयान कर रहे थे बैठे हुए, तो किसी ने कहा कि हजरत भूख के भी कोई फजाइल है? फरमाया हां, अगर फिरौन को भूख मिलती तो वो कभी भी खुदाई का दावा ना करता,
उसने खुदाई का दावा किया ही इसीलिए कि उसका पेट भरा हुआ था। जब पेट भरा हुआ होता है ना, तो फिर बंदा अपनी औकात भूल जाता है। अल्लाह ताला ने हम आजिज मिस्कीनों को हमारी औकात याद दिलाने के लिए रोजे रख लिए। जरा भूख भी लगे, प्यास भी लगे, तो इनके अंदर मेरी नेमतों की कदरदानी आ जाए। तो रोजा के अंदर माशाल्लाह कितनी हिकमत। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताया कि हम दिन में तीन मरतबा खाते हैं और शेर हफ्ते में सिर्फ एक दफा खाता है। एक जगह 100 से ज्यादा शेर पाल रहे थे लोग, हम उधर से गुजर रहे थे तो मेरा साथी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो कहने लगा, जी खाना भी खाना है, दोर की नमाज भी पढ़नी है, तो यहां करीब ही शेरों को पालने की एक तरतीब है, हम वहां रुक जाएंगे, खाना भी खा लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, वुज़ू ताज़ा कर लेंगे, और वहां मैं आपको सफेद शेर भी दिखा दूंगा। हमने कहा चलें, अल्लाह की शान, लो जी हम रुक गए वहां, सफेद शेर देखे। खैर, मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप शेर को खाना कब देते हैं। मुझे नहीं था अंदाजा, मैं सोचता था कि ये सुबह खरगोश का नाश्ता करता होगा और दोपहर को किसी गाय का या भैंस का लंच करता होगा और रात को किसी हिरन का डिनर कर लेता होगा। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम तो इसको पूरे हफ्ते में एक मर्तबा सिर्फ इतवार के दिन इसको गोश्त डालते हैं। मैंने कहा क्यों, बजट की कमी है? उसने कहा नहीं नहीं इसकी खुराक ही इतनी है, ये रोज रोज नहीं खाता, ये एक दफा जब हंट कर लेता है तो फिर एक हफ्ता ये पड़ा सोया रहता है। माशाल्लाह, मैंने कहा आजकल के हमारे भी नौजवान शेरों की बात, वो भी माशाल्लाह दस्तरखान पे जब शिकार कर लेते हैं ना तो बस फिर पड़े सो रहे हैं। उनका भी दिल चाहते हैं अब हमें कोई मत जगाए, भाई जो जम के खाएगा वो डट के सोएगा, पक्की बात है। तो देखो वो हफ्ते में एक दफा खाता है और हम दिन में कितनी मर्तबा खाते हैं भाई, माशाल्लाह कम मत कम तीन मर्तबा, और तीन मर्तबा के खाने के बाद भी बहाने। ये तो जी असराना है ना, तो चाय के साथ कुछ और भी आ गया। ये देखो खाने के बहाने बनाए हुए। तो हमारे यहां ज्यादा खाने का मसला है, कम खाने का मसला आज के दौर में नहीं है। अक्सर बेशतर हां होंगे दुनिया में ऐसे लोग जो कम खाते होंगे, मगर ये रिस्क का मामला अजीब है। मैंने जिंदगी का जितना भी सफर किया तो मैंने अक्सर लोगों को इस दुनिया के अंदर ज्यादा खाते देखा, अक्सर लोगों को। तो जब अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये रोजा इंसान को अपनी औकात याद दिलाने के लिए एक बेहतरीन अमल है। हमने एक मछली देखी, उसका नाम था ब्लू व्हेल। क्या नाम था? ब्लू व्हेल। इतनी बड़ी मछली कि उसका वजन रोजाना 100 पाउंड बढ़ता है। 100 पाउंड वजन रोजाना बढ़ता है। कितनी बड़ी होगी भाई, यानी 50 केजी, चलिए आपको जल्दी समझ आ जाएगी,
अब आजकल के नौजवानों के वजन ही 50-60 केजी है, 70 केजी। तो 50 केजी वजन रोजाना बढ़ता है उसका, तो वो कितना खाती होगी भाई बताएं? जिसका 50 किलो गोश्त बढ़ता हो रोज, उसका खाना कितना होगा? हैं? उसको 200 किलो। माशाल्लाह, नाज़िम साहब फरमा रहे हैं 200 किलो। और बताएं भाई, बोले कितना होगा खाना उसका जी, जिसका अपना वजन 50 किलो गोश्त बढ़ता है रोज जिस्म में हर दिन? हैं? बोले 500 किलो खाती होगी। अच्छा, मजे की बात बताऊं, वो ऐसी चीज खाती है कि जिसको हम देख ही नहीं सकते। ऐसी चीज खाती है कि जिसको हम देख ही नहीं सकते। वो समुंदर का पानी अपने अंदर लेती है और उसके जिस्म में अल्लाह ताला ने स्क्रीन बनाई हुई है बहुत बारीक सी, तो उसमें से पानी गुजरता है, तो जो समुंदर के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, आंख से नजर ही नहीं आते, वो जैसे छाननी में आप चाय डालें पका के तो ऊपर पत्ती रह जाती है ना, तो नीचे चाय निकल जाती है, तो साफ पानी निकल जाता है और ऊपर वो बैक्टीरिया रह जाता है और वो बैक्टीरिया उसकी गिजा। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो खाती किसने, बस हर वक्त पानी उसके मुंह में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और कुछ फिल्टर होके वो जो झाग सी है या जो है वो उसकी गिजा बन गई। वाह मेरे मौला, अल्लाह तेरी शान है ना, और हर वक्त वो चलती रहती है, हर वक्त वो चलती रहती है, अपनी जिंदगी में इतना चलती है कि 3 मरतबा वो चांद का चक्कर लगा के वापस आ सकती है, इतना सफर तय करती है। वमा यालम जनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह ताला के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। देखो उसकी गिजा अल्लाह ने यह बना दी, तो गिजा तो अल्लाह ताला पहुंचाते हैं बंदे को। ताहम ये महीना इसलिए बना कि इस महीने में मोमिन अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी करना सीखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जिस परवरदिगार आलम ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है, इतनी नेमतों से नवाजा, अल्लाह अकबर कबीर। हाँ, रशीद पानी पी रहा था, उसने कहा पानी लाओ, जब हाथ में आया ना तो एक आलिम वहां बैठे हुए थे, वो आलिम कहने लगे कि हारून रशीद थोड़ी देर जरा सब्र कर लो, मेरी बात सुन लो। तो हारून रशीद रुक गया, उसने कहा हारून रशीद मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें सख्त प्यास लगी हुई है और पूरी दुनिया में एक प्याला पानी के सिवा कहीं भी मौजूद नहीं, तो कितनी कीमत दे के पानी खरीदोगे? उसने कहा जी मैं आधी सल्तनत दे दूंगा और प्याले पानी का प्याला ले लूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप पानी पी लें और वो पानी आपके जिस्म में जाके कहीं रुक जाए, जैसे बाद लोगों को बीमारी होती है पेशाब रुक जाता है और उनको फिर अस्पताल जाना पड़ता है, डॉक्टर आर्टिफिशियल तरीके से उनका पेशाब खारिज करते हैं, इतनी तकलीफ में वो बंदा होता है ना, हमने मछली की तरह बंदे को तड़पते देखा है। उसका पेशाब बंद था और प्रेशर उसको पड़ रहा था, प्रेशर
इतनी तकनी में रोता था, यानी वो जवानल उम्र था मगर वो रोता था, आंसुओं से रो रहा था, कहता था मैं इस तकलीफ को अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता कि मुझे कितनी तकलीफ है। तो उसने कहा रशीद अगर तुम्हारा पेशाब बंद हो जाए और पूरी दुनिया में एक तबीब है जिसके पास दवाई मौजूद है तो कितनी सल्तनत दे के या कीमत दे के अपना पेशाब की वो दवाई ले लोगे। उसने कहा जी आधी सल्तनत दे दो। उसने कहा बादशाह सलामत मालूम यह हुआ कि प्याले की कीमत आधी सल्तनत और पेशाब निकालने की कीमत आधी सल्तनत, तो आपकी पूरी सल्तनत पानी का प्याला पीकर जिस्म से खारिज करने के बकदर है, तो आपने तो जिंदगी में कितने प्याले पानी पिया, आपने तो भाई हजारों प्याले जिंदगी में पानी लिया, तो तुमने कभी अल्लाह की इन नियमतों का शुक्र भी अदा किया? वाकई अल्लाह ताला की नियमतों का हम कहां शुक्र अदा कर सकते हैं? देखो सांस का आना और जिस्म से बाहर निकलना कितनी बड़ी नेमत है, हम इसे नेमत ही नहीं समझते। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है उनका कभी सांस उखड़ जाए ना तो आप उनके पास बैठ नहीं सकते, ऐसे लगता है कि अभी मरा ये बंदा, अभी मरा ऐसे लगता है, उसका अंदर का सांस अंदर और बाहर का बाहर। हमारा सांस आराम से आता है बाहर निकलता है, हम इसको नियमत नहीं। कितनी बड़ी है अल्लाह ताला की नेमत। अल्लाह अकबर कबीरा। तो भाई हम तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना थोड़ा है, जितना शुक्र अदा करें ना उतना थोड़ा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। उस परवरदिगार ने हमारे लिए कितना खैर का मामला फरमाया। अच्छा एक बात और सुनाऊं आपको अजीब सी। एक मुल्क में एक साहब बैत हुए, एक जगह वो मिलने के लिए आए तो हमने उन्हें बिस्तर बनवा दिया कि आप सो जाएं। कहने लगा जी मैं लेट के नहीं सो सकता। क्यों भाई? कहने लगा जी कि मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको जरा मसला समझाता हूं। हमारी जो खुराक की नाली है ना, इस नाली पर अल्लाह ताला ने एक ढकना दिया हुआ है। जब ऊपर से गिजा जाती है तो वो यूं हो जाता है तो खुराक अंदर चली जाती है, जब नीचे से यूं ऊपर आने लगती है तो वो यूं बंद हो जाता है। तो आदमी हकी, इसीलिए अभी आप खाना खाएं और अगर उसी वक्त सर नीचे रख के टांगे ऊपर करके आप खड़े हो जाएं उल्टे तो खाना बाहर निकलना तो नहीं ना शुरू हो जाएगा? क्यों नहीं निकलना शुरू होता? अल्लाह ताला ने वन वे वॉल लगाया हुआ है, वो गिजा को अंदर तो जाने देता है बाहर नहीं आने देता। अब वो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है हमें इसका पता भी नहीं। कहने लगा जी मेरा वो वॉल लीक हो गया है लिहाजा मैं जरा यूं सीधा होता हूं ना तो मेरे पेट में जो गिजा होती है सब मुंह के रास्ते बाहर हो गए। इसलिए डॉक्टर ने मुझे लेट के सोने से मना कर दिया। अब पूरी रात मैं दीवार के साथ ओट लगाकर बैठूंगा और बैठ के ऊंग आ जाएगी तो बस सोऊंगा।
चुनाची हमने उसे देखा, वो बेचारा पूरी रात यूं बैठ के ना टेक लगा के दीवार के साथ बैठा रहा और बैठ के बस यूं करता, कहने लगा जी यही मेरी नींद है। उस बंदे की हालत देखकर उस दिन हमने अल्लाह तौबा की, मेरे मौला लेट के सोना भी तेरी कितनी बड़ी नेमत, हमने इसको कभी नेमत ही नहीं समझा था। वाह मेरे मौला, नरम बिस्तरों पे सोते हैं, मन पसंद की नींद घंटों सोते हैं, कभी एहसास भी नहीं किया कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की। तो भाई ये टॉपिक तो बहुत वसी है और मैं कुछ ना कुछ इस बारे में आपकी खिदमत में रोज कहता भी रहूंगा, आप भी जरा सब्र तहम्मुल से बैठ जाया करें। शायद सुनने वालों को तो इतनी जल्दी नहीं होती, सुनाने वालों को जल्दी बहुत होती है, क्योंकि इनकी अफ्तारी तरावी के बाद होती है। रमजान शरीफ में आम लोगों की अफ्तारी मगरब की अजान के साथ, और हाफजों की तरावी, हाफजों की इफ्तारी तरावी खत्म होने के बाद। तो इनको भागने की फिक्र होती है जी जल्दी जाएं, हम कुछ हम भी खाएं, भूख लगी हुई है। तो बहरहाल इतनी बात पे मैं बात को मुकम्मल करता हूं, अल्लाह ताला हमें अपनी नियमतों की कदर दाने की तौफीक अता